सो की हाल चाल गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो के फ्रेम में देख रहे हो ना महमूद लाइव को। क्या करूं गाइस, बात ही कुछ ऐसी है। आधी से ज्यादा लोग तो यहाँ मुझे पता है बिल्कुल थंबनेल देख कर आए हो ना थंबनेल देख के। आई नो दैट भाई, क्या करूं, मजबूरी है, मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। लिटरली मजाक सेट के मैं जिस यूट्यूबर के बारे में सोचा नहीं था, जिसको मैं इतना हम्बल समझता था, लॉयल समझता था, माँ की आंख, वो निकला एक नंबर का गाइस भड़वा। कसम से बता रहा, मजाक सेट के वो एक नंबर का एकदम भड़वा निकले। इसकी गांड में ना ये उंगली डाल देनी चाहिए भाई, मजाक सेट के। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज मैं बात करने वाला हूँ सेमी FF, जिसके यूट्यूब पर 4 लाख सब्सक्राइबर है, जो लोगों को आजकल एक्सपोज करता है कम्युनिटी में, जो गलत काम करता है उसके खिलाफ बोलता है कम्युनिटी में, सही गलत पूरा सबका ठेका भाई ने अपनी गांड में डाल के रखा है। बिल्कुल क्या लगता है आप लोगों, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे भाई देख लो ना, सैमी FF का चैनल खोल के मैंने मेंशन किया है लौंडे को। तो अब बात करने वाला हूँ गाइस, सैमी FF ने 2000 का स्कैम किया। किसके साथ किया भाई? मामू की वीडियो बना रहा भाई, क्या मामू सच बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। अरे भाई बिना प्रूफ के तो मैं कुछ बात ही नहीं करता, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब बात है, उसमें कुछ लॉजिक है। ये बात है गाइस 2 से 3 दिन पहले, ठीक है, वेडनेसडे की, बुधवार को सैमी FF ने अपने चैनल पर डाला था कम्युनिटी पोस्ट कि उसका चैनल एक सेल पर 10,000 सब्सक्राइबर वाला EXSAMI नाम का चैनल था। मैंने देखा भाई 10,000 सब्सक्राइबर चैनल था तो वो नॉन मोनेटाइज, बट मैंने बोला ले लूंगा तो यार सही है, चैनल में रिच है, वीडियो वगैरह डालूंगा, वायरल हो जाऊंगा, मैं भी बन जाऊंगा सक्सेसफुल यूट्यूबर। अभी तो भाई मैं हूँ छपरी यूट्यूबर, ठीक है। मैंने किया व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट, बड़ी मीठी मीठी बातें, बड़ी प्यारी प्यारी बातें, कर्मा। मैंने पूछा भाई स्कैम तो नहीं होगा, और चैनल का प्राइस मात्र 2000, 10,000 सब्सक्राइबर और चैनल मोनेटाइज तो नहीं था लेकिन मात्र 2000, किसी का भी दिल आएगा भाई, मेरा भी दिल आ गया यार, व्यूज तो क्या ही फाड़ू गाइस, क्या ही तो तगड़ा, मतलब बता नहीं सकता इतना फाड़ू वो चैनल लग रहा था। उसके बाद मैंने बोला सैमी भाई तो स्कैम तो नहीं, पहले तो मैं पूरा खुद, अरे यार 4 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर ने मुझे मैसेज किया, इतना हम्बल यूट्यूबर, इतना लॉयल यूट्यूबर, माँ की चूत उसकी, बहन के लोड़े सैमी FF, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा गाइस। आज ये मेरे साथ हुआ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता 2000 का, लेकिन कम्युनिटी में सबका जानना जरूरी है कि वो कितना किस किस्म का भड़वा इंसान है। आज मेरे साथ किया है, कल मिडिल तो 2 साल के बच्चे के साथ, 10 साल के बच्चे के साथ, 12 साल के बच्चे तो जो अपने माता पिता के फोन से पेमेंट कर सकते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं, इसलिए संभल जाओ। अब तो बकवास बहुत हो गया गाइस, ठीक है, अब चलते सीधा प्रूफ के ऊपर, क्योंकि पता है भाई बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता। और ये बात मैंने कम्युनिटी को, जिससे मतलब हर कोई डरता है, कम्युनिटी का भगवान बोले तो एक्सपोजर्स का, ठीक है, जिसका नाम लेते अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, जानते होगे, येलो क्रिमिनल वाले हमारे टैग प्रो हर्ट। इस वीडियो के नाम से मैं भाई को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर गौर किया जाए, एंड मेरे साथ आज हुआ किसी के साथ ना किया जाए, ठीक है। तो चलो गाइस अब बढ़ते सीधा प्रूफ के ऊपर। तो आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन, ठीक है, मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा, और मोबाइल पे देख लो गाइस, ये रहा सैमी FF के चैनल का कम्युनिटी पोस्ट। ये देखो पहले भाई का चैनल, उसके बाद शॉर्ट्स, लाइव, जाते कम्युनिटी पोस्ट में, ये रहा वो चैनल, व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हो, कोई झूठ कोई फ्रेम नहीं, देख लो सारी वीडियो, आरजी को भी वो किया था। उसके बाद ये देख लो गाइस खुल चुका है व्हाट्सएप का चैट, थोड़ा फास्ट में रख रहा हूँ गाइस, जो ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता। अब लॉन्डे की खाली आप लोग बात सुनना भाई, ऐसा अगर आपको लेना है तो आप कॉल पे रहना, और कॉल पे मेरे से मतलब आईडी पास भी दे लेना, और पिन नहीं देना भाई, स्कैम वाला चीज नहीं करेंगे ना, पहले आप YT स्टूडियो का व्यूवरशिप में आ जाओ, वहाँ पे अच्छे से चैनल चेकआउट कर लो, फिर पसंद आए तो ले लेना, नहीं आए तो नहीं। उसके बाद गाइस इतना भी नहीं हुआ, अभी प्रूफ देखो अभी आप लोग। उसके बाद बंदे ने रिकॉर्डिंग भेजा अपने आईफोन से रिकॉर्ड करके, ठीक है, बंदे के पास आईफोन है, और चिंदी भड़वा माधर चो 2000 के लिए रंडी रोना भाई, बताओ यार 2000 के लिए। अभी देखो ये अपना YT स्टूडियो को व्यूअरशिप दिखा रहा है, ठीक है, इसमें उसने अपना 4 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल भी दिखाया है गाइस, चैनल भी दिखाया है, मुझे तो लिटरली विश्वास नहीं रहा कोई इतना कैसे गिर सकते हो अभी 2000 के लिए। मैंने इसको ये तक बोला भाई तुम मांग लेते खुशी से तो मैं वो दे देता, मजाक सेट के यार, लेकिन गलत कर दिया भाई मेरे साथ, गलत किया है, वो मुझे सबसे बुरा लगा। ये देखो गाइस चैनल वगैरह सब कुछ दिखाया, ठीक है, चैनल का क्या YT एनालिटिक्स सब खोल करके दिखाया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देख लो ना गाइस, लास्ट में देखना, ये देखो अभी ऊपर से जाएगा, और ऊपर से जाकर स्विच अकाउंट में देख लो गाइस, उसका भी दिख रहा 4,33,000 वाला ब्लॉग वाला, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग दिख रहा है। उसके बाद सुनो भाई, YT रेवेन्यू नहीं है मेरा कुछ भी, मान लो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना मेन चैनल जो है वो अभी तक मोनेटाइज नहीं किया,
क्योंकि मेरी वीडियोस में गालियां होती हैं तो मोनेटाइज करके भी कुछ फायदा नहीं होगा, तो वो मतलब पैसे नहीं मिलते अगर मैं गालियां देता हूं तो येलो डॉलर पड़ जाता है। ये रहा बंदे को यूपीआईडी, ये इतना सारी बकचोदी भाई, बहुत सारी ऑडियो में बातें कि कितने मैसेजेस आपको दिखाऊं, कितने मैसेजेस दिखाऊं, और भाई मुझे कब पता चला उसने स्कैम कर दिया वो भी बताता हूं, वेट करना ठीक है, वो भी बता रहा हूं, जस्ट वेट एंड वॉच ठीक है। सब कुछ हुआ, चैनल का लिंक दे दिया मैंने, बोला चलो भाई अब यार को पेमेंट तो कर देना चाहिए, मैंने पेमेंट कर दिया भाई, पेमेंट किया, फिर बोलते रह गया घंटा बंदे ने कुछ रिप्लाई नहीं किया और यहाँ पे बात हो जाती है खत्म। उसके बाद क्या हुआ सीन गाइस, मुझे लगा भाई अब मेरे साथ स्कैम हो गया, गया यूट्यूब पे, भैनचोद यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर दी, और दैट्स व्हाई मेरा आदत है कि कोई भी किसी से डील करो ना, चाहे वो 5 रुपए का भी डील हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रखो, ये आपको हमेशा काम दे, याद रखो। तो गाइस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बोलना चाहता हूँ, मैं लास्ट में देख लो स्क्रीन के पास भी आप लोगों को जो मैंने पेमेंट किया उसका प्रूफ भी दिख रहा होगा ठीक है, यूटीआर नंबर है, ट्रांजेक्शन आई डी, कस्टमर केयर को कॉल करो, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे मुंह पर आकर 10 चप्पल मारो, कमेंट में आकर 50 गालियां दो, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेमी एफ एम भड़वा है, माधव चोद है, मजाक से हटके ठीक है। तो आज मैं फंसाऊं गाइस, मैं नहीं चाहता कि कल आप लोग फंसो ठीक है, क्योंकि ये बंदा 2000 के लिए जब चिंदीगिरी कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है, ये 75 चैनल बना रहा है ई स्पोर्ट्स नाम से, ब्लॉगिंग नाम पे, सब स्कैम करेगा गाइस, सारे स्कैम करेगा। मुझे मैंने पता ये भी सोचा था कि रोजा रमजान चालू हो गया, मैंने पूछा भाई उसके लिए पैसों नीड है, नहीं भाई मुझे तो एडिटर को पैसे देना है, मैं एडिटर को पैसे देता हूँ, वैसे वैसे मैं क्या बोलूँ गाइस, उसके बाद भी सुनोगे ये भड़वा 2000 लेके बमाना नहीं। मैंने क्या किया देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने दूसरे नंबर से मैसेज किया, मैंने बोला सही भाई चैनल है क्या, हाँ कितना प्राइस 2000, पेमेंट या फर्स्ट या पहले चैनल, पेमेंट फर्स्ट, तो हो गया ना क्लियर। कितना बड़ा ये रानी की औलाद है, भड़वे की झांट है, बस इतना ही बोलूंगा गाइस, बी अवेयर फ्रॉम दिस स्कैमर्स, क्योंकि कम्युनिटी की नहीं भाई लोगों ने गांड मार रखी है, इसको बनना था स्काईलॉर्ड का बेटा बनना था, लेकिन स्काईलॉर्ड के ये लौड़ा चाटने के बराबर भी नहीं है, मजाक से हट के सच बता रहा गाइस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कैसा इतना गिर सकता है इसको गाइस, मजाक से मैं सच में अपना मानता था भाई, इंस्पिरेशन बंदा है यार, क्या बोलता है क्या देता है सभी को, लेकिन इसने तो मेरा ही गला काट दिया, क्या बोलूं गाइस। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो के साथ, बस इतना ही बोलूंगा, सेमी एफएफ के साथ बच के रहो गाइस, आज मेरा स्कैम हुआ कल किसी बच्चे का स्कैम हो सकता है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फेसबुक, अगर जब तक वो मेरे को रिफंड नहीं करता और माफी नहीं मांगता तब तक ये वीडियो को शेयर होना चाहिए और बंदे की गांड में घुसवा दो। और बाकी तो मैंने हर्ष भाई को बोल ही दिया है, और हर्ष भाई भी उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझेंगे, सारे प्रूफ को देखेंगे, सब कुछ ईच एंड एवरी थिंग मैंने दिखा दिया और भेज दिया। तो बस गाइस आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तब भी लाइक करो, बाय बाय, जय श्री राम।